हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस फ्रीक बाय राहुल यादव। सो आज की जो मेरी वीडियो है दो फैट बर्नर के बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो, हिट द बेल आइकन, व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल न्यू वीडियोस। तो आपको पता है ये इस टाइम इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली ये बेस्ट वेदर है आपका वेट रिड्यूस करने का, फैट रिड्यूस करने का। अब मेथड क्या है वेट और फैट रिड्यूस करने का? पहले आपका वेट रिड्यूस होता है, उसके बाद आपका बचता है फैट। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, या आपको थोड़ा सा टाइम लगता है फैट को उड़ाने के लिए। तो मैं आपको दो फैट बर्नर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। ये है लिपोसिक्स ब्लैक अल्ट्रा कंसनट्रेट और ये है शेड्स प्रो, जिसका दावा है कि ये सिर्फ फैट बर्न करता है मसल। प्राइस की पहले प्राइस की बात कर लें तो ये आपको मिलेगा 1800 से 2000 के बीच में, ये मिलेगा आपको 1500 से 1800 के बीच में। दोनों के बेनिफिट क्या है? देखो ये है यार कैफीन इसके अंदर है, कैफीन कंटेंट ये है, कैफीन कंटेंट फ्री है इसके अंदर। थोड़े प्लांट बेस्ड लाइक एल कार्निटिन, एल एसिटेट लाइक कंटेंट यूज किए गए और इसके अंदर कैफीन कंटेंट यूज किया गया। तो जो मेरा फेवरेट है, तो मैं आपको बता दूं मेरा फेवरेट यार शुरू से लिपोसिक्स ब्लैक अल्ट्रा कंसेंट्रेट रहा है, क्योंकि मैं जब भी फैट रिड्यूस करता हूँ या मेरा वेट बढ़ता है तो मैं लिपोसिक्स से अपना वेट रिड्यूस करता हूँ। बट मैंने ये भी यूज़ किया, बट ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जो रिजल्ट देखा जाए लिपोसिक्स से थोड़ा इसका कम है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन नहीं है, दैट्स वाई इसका जो रिजल्ट है थोड़ा सा लेट है। बट ये कैफीन बेस्ड कंटेंट है इसलिए थोड़ा इसका रिजल्ट फास्ट है। तो अब बात करते हैं कि जो एज अ बिगनर है, तो मैं एज अ बिगनर उनको रिकमेंड करूंगा श्रेड्स प्रो, और जो थोड़ा पहले फैट बर्नर यूज़ कर चुके हैं या दोबारा यूज़ करना चाहते हैं थोड़ा हार्ड फैट बर्नर, तो वो इस फैट बर्नर के थ्रू अपना वेट रिड्यूस या फैट रिड्यूस कर सकते हैं। देखो यार मैं पहले बता दूं, जो अंडर मेडिकेशन या कोई भी लाइक सर्जरी या कोई हार्ट पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट है, तो प्लीज़ गो फॉर एनी सप्लीमेंट्स, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उन लोगों के लिए, और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप सप्लीमेंट लेके अपनी बॉडी को और ज़्यादा हार्म करो, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिकेशन के अंदर चल रहे हो। आप डॉक्टर से रिकमेंड करके अपने सप्लीमेंट्स को चूज़ किया करो, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता जो ऑलरेडी मेडिकेशन या डॉक्टर की अंडर या प्रोविजन में चल रहे हो। तो प्लीज़ जब भी आप अपना फैट रिड्यूस करते हैं या वेट रिड्यूस आपका गोल है, तो उतने ही अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो करें। और इसको लेना कैसे है वो मैं आपको एक तरीका बता दूं। अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट करना चाहते हो तो आप खाली पेट इसे मत ले, खाली पेट ले सकते हैं बट मैं ट्राई करूँगी आप एलिमेंट्स या आधे या पौने घंटे पहले कोई काव्स या एक बनाना लेके, या इसको आधे या पौने घंटे के बाद एक कैप्सूल लेके आप जिम जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको काफ से थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी और आप अपनी बॉडी आपको वर्कआउट उतने ही आसानी से आप अपने वर्कआउट कर सकते हैं, आपको वीकनेस नहीं आएगी। तो ये आप स्टार्टिंग एक टैबलेट से ही कर सकते हैं, उसके बाद दो वीक के बाद आप दो टैबलेट से शुरू कर सकते हैं। और सेम आप अगर लिपोसिक्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 2 वीक्स आपको एक टैबलेट लेना है, उसके बाद आप 2 टैबलेट से शुरू कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट दोनों के बेटर है, प्राइस भी आपको मैंने बता दिया। और बात करते हैं कि अगर आपको दोनों सप्लीमेंट के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मैं आपको भी दे रहा हूँ इंस्टाग्राम पर आके मुझे फॉलो करें और मुझे पूछें जो भी आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। और कोई भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ रीच आउट टू मी एंड आई डेफिनेटली हेल्प यू। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ ग्रेट डे।